वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आपका भाई एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका है। मैं आपको इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इंडिया का सबसे बेस्ट बाथिंग सॉप कौन सा है, आपको कौन से साबुन से नहाना चाहिए और ऐसे कौन से साबुन जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जिस साबुन का आप इस्तेमाल रेगुलरली रूप से कर रहे हो उसमें किस तरह के इन्ग्रीडियंट्स पड़े हुए हैं, किस तरह के केमिकल पड़े हुए हैं, क्या वो आपको साबुन आपकी स्किन पे बेनिफिट दे भी रहा है या आपको कहीं ना किसी तरह से हार्म तो नहीं कर रहा है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप जिस साबुन का इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए सहायता या बेनिफिट रूप है भी या नहीं। तो मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल का जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब को उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। याद रखना मैं आपको इस वीडियो में तीन कैटेगरी में साबुनों का पूरी शॉप के बारे में जानकारी दी हुई है। तीनों कैटेगरी में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में साबुन आते हैं वो जिनमें सल्फेट, पैराबेट, आर्टिफिशियल कलर और फ्रेग्रेंस या परफ्यूम नाम के जिसमें इंग्रेडिएंट्स या केमिकल ही केमिकल पड़े होते हैं। सोचने वाली बात तो ये है, जिस शॉप पे हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वही साबुन की कंपनियां हमें सबसे ज़्यादा धोखे में रखती हैं, हमारे स्किन के साथ में हमारे साथ में खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि जो इन तरह के केमिकल आपको बॉडी को किसी भी तरह के हार्म बहुत आप सोच भी नहीं सकते किस तरह आपको ये हार्म पहुँचा रहे हैं। इसलिए आपको जो इस तरह के जिसमें भी इन्ग्रीडियंट्स पड़े होते हैं, जैसे कि आप सोच सकते हो वेबेल, पॉन्ड्स, पेयर्स, डेटॉल, लाइफबॉय, इन तरह की सारी कंपनियाँ जो आप शॉप का इस्तेमाल करते हो, जहाँ तक कि इंडिया में 100% जहाँ तक लगातार हर एक घरों में इस तरह के साबुनों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, आप कोई भी साबुन का इस्तेमाल करते हो सबसे पहले उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करें। इन इंग्रेडिएंट्स में से सबसे पहले परफ्यूम या फ्रेग्रेंस आपका कहीं केमिकल तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर वो केमिकल पड़ा तो प्लीज़ आप उस साबुन का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके स्किन प्रॉब्लम जो पिंपल, दाग धब्बे या खुजलियाँ होती हैं वो इन्हीं सब केमिकलों के वजह से होती है और आप बिल्कुल इन सबको नज़रअंदाज करते चले आते हो। अब आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी में साबुन वो साबुन होते हैं जिनमें आयुर्वेदिक। आप लोग सोच रहे हो भाई आयुर्वेदिक साबुन हमें किस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन भाई मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे फर्स्ट रहती है आयुष की सॉप, सेकेंड है खादी की पचुली सॉप, थर्ड है पतंजलि की नीम सॉप। आप सोच रहे होगे इनमें तो किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। अगर भाई ये कंपनियां किसी भी तरह का अपने साबुन में केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, चलो मैं मानता हूँ, तो कंपनियों को इसके इंग्रेडिएंट्स छुपाने की क्या ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट जो हमारा ग्राहक है, जो भी ग्राहक है उसको पूरा हक बनता है कि हम किस तरह के चीज़ या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करो ना। जैसे हर प्रोडक्ट अपने इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करता है तो आप मेंशन करो ना, क्यों नहीं करते हो। लेकिन चलो ये तो बात पता नहीं क्यों नहीं मेंशन करता, फिर भी एक केमिकल या एक इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करके पूरी तरह से साबित हो जाता है कि ये भी हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। फ्रेग्रेंस या परफ्यूम, इस तरह के केमिकल भी आयुष इन तरह के है ना शॉपों में देखने को मिल चुके हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए, जिस किसी साबुन में फ्रेग्रेंस या परफ्यूम नाम का जो भी केमिकल पड़ा होता है उस साबुन का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन जो केमिकल में 200 से ज़्यादा भी केमिकल पड़े होते हैं फ्रेग्रेंस या परफ्यूम में, पता नहीं आयुर्वेदा में कहाँ से परफ्यूम या फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए खैर ये तो बात रही, अब मैं तीसरी कैटेगरी में बताऊँगा कि आपको ऐसे कौन से साबुन है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को एक हेल्दी स्किन बना सकते हो और वो टोटल केमिकल फ्री है। मैं आपको बताऊँगा, थर्ड कैटेगरी में आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है जो ट्रेंड में चल रहा है, नीम का चारकोल सॉप। आप नीम का चारकोल सॉप इस्तेमाल कीजिए। सेकंड है हैंडमेड कॉफ़ी सॉप, थर्ड है खादी जो थर्ड आती है वो सेडार की पचुली सॉप, और चौथी है सबसे मेन जो ज़्यादातर भारतीय इस्तेमाल करते हैं पतंजलि मुल्तानी मिट्टी सॉप। इन सभी चार पांच जो साबुन है इन सभी का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को किसी भी तरह के हार्म नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, पूरी आपके बजट में भी फिट होती है। 50 रुपये से 200 रुपये तक के बीच में चार पांच साबुन आपको मिल जाती है, कहीं भी आप मेडिकल स्टोर पर जाके इसे परचेस कर सकते हो। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट होती है कि आपके इसे फेस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जिन लोगों की ड्राई स्किन है, जो सोचते हैं ना कि मेरी ड्राई स्किन है मैं कैसे अपने स्किन को सही करूँ, वो लोग सेडार की पचुली सॉप इस्तेमाल कीजिए। लगभग 185 रुपीज की आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये टोटली हैंडमेड सॉप है, आपको इन सभी साबुनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब दोस्तों मैंने तो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में बताया आपको किन साबुनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन से आपको इंग्रेडिएंट्स है जो हर एक साबुन पर चेक करके आपको लेना चाहिए। याद रखिए, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है, अगर
आयुर्वेदिक कंपनी है तो भाई आप सही कर रहे हो, मैं मानता हूँ आप सही भी कर रहे हो, तो उसमें आप मेंशन करो ना, आप इंग्रेडिएंट्स अपने छुपा क्यों रहे हो? अगर आप इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक यूज़ कर रहे हो तो उसमें मेंशन करो, जाहिर से बातें पकड़ क्यों नहीं करते, ये आप ही सोच लीजिए। तो खासकर ऐसे शॉप से ज़रूर बचिए जो ये छुपा रहे कि उसमें क्या चीज़ पड़ी, तो हम ऐसे चीज़ों का क्यों इस्तेमाल करें। आपको हैंडमेड साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई इतना महंगा भी नहीं, कोई इतना कॉस्टली है, हर एक इंसान के बजट में वो फिट आ ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, अरे वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही मैं आपकी अलग अलग डिमांड के ऊपर वीडियो लेते आऊँगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कमेंट करके बताइए कोई और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी टॉपिक पे वीडियो आपको बना के ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल का, हमारे फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।